दोस्तों, अगर आपके पास ये मोटरोला का मोटो G85 5G स्मार्टफोन है और उसमें आप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर को ऑन करना चाहते हो, अपना फिंगरप्रिंट सेंसर सेट करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कैसे आप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर अपने पे सेट कर सकते हो, अपना फिंगरप्रिंट लगा सकते हो। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली आपका जो मोबाइल स्क्रीन है उसमें आना है और आपको आपकी जो मोबाइल की सेटिंग्स है उसको आपको ओपन करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जैसे मैंने ओपन कर लिया, उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर कर लिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहता हूँ। उसके बाद आपको करना क्या है, नीचे आपको आना है। आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, तो एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा नीचे आते हैं सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का, तो आप सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। जैसे आप सिक्योरिटी पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर। अब अगर आपको यहाँ से नहीं मिलता है तो आपको करना क्या है, आना है आपको वापस फिर से सेटिंग्स में आना है और यहाँ पर सर्च का आइकन मिलता है, इस पर आपको सर्च करना है फिंगरप्रिंट। तो मैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट सर्च कर देता हूँ। जैसे आप फिंगरप्रिंट्स लेकर सर्च करते हैं उसके बाद आपके सामने फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आ जाता है, ये रहा, ऐड फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन आ जाता है। तो हम जैसे फिंगरप्रिंट पर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो मैंने यहाँ पे फिंगरप्रिंट पहले से ऐड कर रखा है। अब यहाँ पे मेरे को यहाँ पे कोड लगाना होगा, जो भी मेरा यहाँ पे कोड मैंने सेट कर रखा है, पिन सेट कर रखा है। तो जैसे मैं यहाँ पे पिन डाल देता हूँ उसके बाद क्या होगा कि हमारा फिंगरप्रिंट ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद आपको ऐड फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ से ऐड फिंगरप्रिंट पर क्लिक करके अपना थंब और जो फिंगर जो भी लगाना चाहे वो यहाँ पर सेट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप सेट कर पाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कर सकते हैं। साथ साथ आप इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी भी दी गई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब।